इतना सुबह किसका कॉल आ रहा है यार? हेलो 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 विवेक, तेरी मम्मी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मम्मी को क्या हुआ? क्या हुआ उनको बताओ ना यार, क्या हुआ उनको? डॉक्टर ने बोला है तेरी मम्मी का ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन में 10 लाख रुपए लगेंगे। 10 लाख? 10 लाख? हाँ, मैं 2-3 दिन में भेजाता हूँ, तब तक तू ऑपरेशन करवा। ठीक है, 10 लाख रुपए भेजने को तो बोल दिया है, पर मेरे पास अभी 1 भी रुपया नहीं है। क्या करूँ क्या करूँ? हाँ, मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ, क्या पता उससे कुछ मदद मिल जाए। वैसे मेरा सही किया किधर है यार? यहाँ पे तो नहीं है। और अरे ये रहा यार, तू फटाफट बैठते हैं और चलो। ये रहा उसके घर, आज चलो उससे मिलते हैं। उसकी तो मम्मी बोल रही है कि वो यहाँ पे है ही नहीं, अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, तो चलते हैं घर। हे विवेक, अरे वो रहा मेरा दोस्त, ये तो रास्ते में ही मिल गया। देखना भाई, मैं तेरे को ही ढूंढ रहा था। क्या हुआ विवेक? देखना भाई, मेरी मम्मी का तबीयत खराब है और ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। क्या तेरे पास कुछ मदद हो सकती है? अब विवेक भाई देख, मेरे पास इतना तो पैसा नहीं है, बट 50,000 मिल जाएंगे। इतना से तो कुछ नहीं हो पाएगा यार। तो विवेक भाई क्या किया जाए? हाँ, मैं एक आदमी जानता हूँ जो तेरे को 10 लाख रुपए दे सकते हैं। सच में? कौन आदमी? लेकिन विवेक भाई, मैं तो यही कहूंगा कि उनका काम ना ही कर तो ही सही रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि वो इंसान नहीं, जानवर है। जानवर? वो तुझको मर्डर करने को बोलेगा जो तुझसे नहीं। मैं सब कुछ कर लूंगा। कर लेगा ना? हाँ, मैं कर लूंगा। तो विवेक, मैं ना उस गुंडे का एड्रेस तेरे को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, जाके मिल लेना। ठीक है, एड्रेस तो यहीं का था, पर यहाँ पे तो अभी घर का काम चल रहा है। एक सेकंड, ये घर देखना, मुझे लगता है यही गुंडे का घर है, तो चलो उससे बात करते हैं। तो मेरा उस गुंडे से बात हो गया और उसने बोला है पैसा का तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन 4 मर्डर करने पड़ेंगे। और उसने ये भी बोला है कि हमें इस काम को 2 दिन में करना है, नहीं तो 1 दिन में कर दिया तो शहर में बवाल हो जाएगा। 2 लोग को आज मारना है और 2 लोग को कल, इसलिए उसने आज ही 2 लोग का फोटो भेज दिया। हम जो कल 2 लोग को मारेंगे उनका फोटो कल ही भेजेगा। तो फटाफट अपने घर चलते हैं स्नाइपर लेने के लिए। तो स्नाइपर मैंने ले लिया है, अब चलते हैं मर्डर करने। वैसे एक बात बता दूं कि आज तक मैंने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया था, लेकिन माफ कर देना भगवान। मेरे हिसाब से यहाँ से मारूंगा तो ये वाला जगह ऑलमोस्ट सेफ ही है। ये रहा पहले आदमी का घर और दूसरे, हाँ ये रहा उसका घर। तो देखते हैं ससुर निकलते कब है घर से। 2000 years later. ये देखो, एक ससुर निकल गया अपने मौत के पास, तो लगाओ निशाना, हिल रहा आराम से। ये मर गया ससुर। अब ये दूसरा ससुर का है, निकल ही नहीं रहा है घर से। अरे इसको देखना ससुर, ये तो रोड पर टुकुर टुकुर टहल रहा है। अब लगाओ इसको भी, ये खत्म हो गया। चलो आज का काम कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं घर पे। वैसे घर आते आते रात भी हो गया, चलो सोने। गुड मॉर्निंग गाइस, रुको मैं ना अभी फ्रेश होकर आता हूँ। वैसे मेरे को अभी उस गुंडे का मैसेज आया जिसमें उसने उन दोनों का फोटो भेज दिया है। तो चलो आज हम उनका खेल खत्म और अपना पैसा हजम कर लेते हैं। और उस गुंडे ने कहा है कि हमें वो दोनों के दोनों आदमी जंगल के रास्ते में मिलेंगे। जंगल में तो आ गया, पर मैं इधर छिपूंगा कहाँ? छोड़ो, गाड़ी के पीछे ही छिप जाता हूँ। तो निकालते हैं गन और एक सेकंड, क्या हो वही आदमी है? लगा तो स्कोप। अरे ये तो वही है, तो लगाते हैं खोपड़ी पे। ये ले बाबू। तो अब और ये दूसरे आदमी की जो मुझे दिख गया, तुम भी देखो, स्कोप लगा देता हूँ। देख लिया ना, अब लगाते हैं कपारे पे निशाना। ये ले, अरे बच गई, कोई ना। अब ये ले, बहुत बढ़िया, सबका खत्म हो गया फाइनली। तो अब चलते हैं घर अपना स्नाइपर रखने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे उस गुंडे के पास अपना 10 लाख रुपए लेने के लिए। स्नाइपर तो रख दिए, लेकिन ये घर के बाहर से कैसा साउंड आ रहा है? एक सेकंड, ये तो पुलिस की गाड़ी है जो मेरे ही घर में आ रही है। लगता है जो मैंने मर्डर किया था इनको पता चल गया है। भागो, लेकिन मेरा उड़ने वाला जेट तो घर के पीछे है, लगता है इनसे लड़के भागना पड़ेगा। चल 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 भाग भाग। अरे रुकने का नहीं यार, दौड़ 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 दौड़। किधर है मेरा जेट? आई
ये रहा ससुरा, चल 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 बच गया। अब ना मैं एक काम करता हूँ, यहीं से उस गुंडे के पास चला जाता हूँ और वहाँ से पैसे लेकर अपने माँ के पास भेजता हूँ, जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अरे नीचे तो कोई है ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुंडों ने मेरे से काम करवा के भाग गए। प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, यहाँ पे तो दूसरा फ्लोर है, चलो वहाँ पे देखते हैं। तो गाइस वहाँ पे ना वो गुंडा मेरे को मिल गया और पूरा के पूरा पैसा साथ में दे दिया। एक काम क्यों नहीं करता हूँ, ये पैसा जो मैं लिया हूँ इसको गुंडे के पास ले चलते हैं और उससे बोल देते हैं कि मेरे घर पे भेज देने के लिए, सही रहेगा। चलो तो गाइस वीडियो खत्म हो चुकी है, और अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही मजेदार इंडियन बाइक ड्राइविंग ट्रेडी के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। एक बात और, अगर तुमको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दो यार, धर 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 धर। चलो।